गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए या उसकी हिस्ट्री, यूपीपीसीएस के हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसका हर एक वर्ड आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। मैंने अभी प्रीवियस पेपर लगाया तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं एक जगह बता दे रहा हूँ। आज कौन सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ या बात करने जा रहा हूँ, एनी पेशेंट से रिलेटेड। आप सुनेंगे तो आपको खुद, आप एक बार सुन लो और प्रीवियस पेपर लगाओ, आपको एनी पेशेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एनी बेसेंट 1893 में इंडिया आई, जो एक डाउटफुल क्वेश्चन बनता है कि शी इज द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी। नहीं, द फाउंडर नहीं थी, ये एक मेंबर थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी, ठीक है। इन्होंने 1889 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो क्या हुआ था कि हमें पता है कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1906 में, ठीक है। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो सूरत स्प्लिट का रीजन ये था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में लड़ाई हो गई थी, तो उसको मिलाने का काम जो किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसको कराने का, ये भी क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट में जो दोनों ग्रुप्स हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को लाने का काम किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया, ठीक है। फिर दूसरा है कि जब इन्होंने कर दिया, देखो हर चीज को आप लाइन से याद करो, सीरीज से याद करो। अब जब लखनऊ पैक्ट हुआ, लोगों को ले आया गया एक पास, तो इनको 1917 में आईएनसी का क्या बना दिया गया, हेड, ठीक है। हर साल होता था तो आईएनसी के हेड बना दिया गया। ये सेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट लेडी ऑफ आईएनसी हु हेडेड आईएनसी सेशन, ठीक है। तो कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन लेडी बोलेगा तो सरोजिनी नायडू थी, 1925 कानपुर सेशन, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लेडी की बात करेगा तो एनी बेसेंट थी, और 1917 में बनाई गई थी, ठीक है। और वो सेशन था कलकत्ता सेशन था, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों बनाया गया, क्योंकि लखनऊ पैक्ट उन्होंने कराया तो लोग खुश होकर उनका चलो अगले साल इनको बना देते हैं हेड, तो ये अगले साल हेड बन गई। अब इन्होंने दो वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है कॉमन वील और दूसरा है न्यू इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने दो वीकली न्यूज़पेपर 1914 के अराउंड स्टार्ट किया था, तो दोनों के नाम आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, कॉमन वील और दूसरा है न्यू इंडिया, ठीक है। हाँ, और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है इन्हीं बेसेंट से रिलेटेड, कि इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था, होम रूल लीग। अब ये क्वेश्चन भी 10 बार करीब आया है कि होम रूल स्टार्ट जो किया गया था उसको किसके साथ एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ स्टार्ट किया था, 1916 में स्टार्ट किया था इसको। तो एनी बेसेंट की ये पूरा है, इससे बाहर एनी बेसेंट का क्वेश्चन नहीं है कि होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने किसके साथ, बाल गंगाधर तिलक। मतलब इन स्पाइट ऑफ कि उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट था, फिर भी इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा एनी बेसेंट से रिलेटेड।